How to fix Windows 11 icon not showing on taskbar problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे Windows 11 पे icon not showing on taskbar problem सॉल्व कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपके सभी taskbar यही है, ठीक है, नीचे पे। तो यहाँ पर कई बार आपका आइकॉन मिसिंग हो सकते हैं, आपके आइकन्स जो है यहाँ से, ठीक है, मिसिंग हो सकते हैं यहाँ पर। सो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। सो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें और सॉल्व कीजिए अपना प्रॉब्लम। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे, राइट क्लिक, ठीक है। अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको सर्च ऑप्शन मिलेगा या फिर आपके विंडो ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको क्लिक करना है राइट क्लिक, ठीक है। माउस पे राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद टास्क मैनेजर पे जाइए। तो टास्क मैनेजर पे जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर रिस्टार्ट करना है, ठीक है, आपके विंडो एक्सप्लोरर को। सो आपको यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है और इसको रिस्टार्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको आपको रिस्टार्ट करना है, ठीक है। एंड देन आपको दोबारा से ऊपर टास्क मैनेजर पे जाना है और इसको जो है यहाँ पर एंड टास्क कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आप बैक करें मोबाइल को, आपके जो पीसी है उसको रिस्टार्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो फाइल एक्सप्लोरर है उसको रिस्टार्ट वगैरह कर देने के बाद में आप जो है स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक, उसके बाद सेटिंग, उसके बाद विंडोज अपडेट में जाइए, और विंडोज अपडेट बाकी है तो अपडेट कर दीजिए, ठीक है। उतना करने के बाद में दोस्तों आप चेकआउट करके देख लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कई बार दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, कई बार प्रॉब्लम होते हैं। सो अगर आपके टास्क बार के अंदर पे अगर आपके जो आइकन्स है वो मिसिंग हो जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाते हैं, तो फिर आपको सिंपली विंडोज एक्सप्लोरर में आके राइट क्लिक कर देना है, उसके बाद रिस्टार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उतना कर लीजिएगा दोस्तों, आपका काम बन जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट बाकी है तो सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करें, ठीक है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।